सर जो है सर बात जिनके नाम पे लोन है वो सर बात नहीं करते हैं, वो कॉन्फ्रेंस एक सेकंड में आपको सर कहा जाए। मैम कितना कितना कोऑपरेट करें मैडम, बता दो कि इस तरह से कोऑपरेट करो। मेरी बात सुनो, उस दिन भी मैम आपने फोन नहीं उठाया, सर ने फोन नहीं उठाया आपकी कॉन्फ्रेंस। मैं आपको बोल रहा हूँ मैम आप अपना नंबर मुझे दो ताकि मैं आपको कॉल कर सकूँ। मैम सर फोन उठाते नहीं है, एंड टाइम मैम मेरे सिरे को मैं क्या जवाब दूँ, मैं अपने सिरे के सामने खड़ा होता हूँ और सर फोन नहीं उठाते हैं। सुनिए मेरी बात सर, अभी आप एक चीज क्लियर। चलिए मैम आपकी बात बड़ी भी कर लेते हैं, हम संतोष जी को फोन करेंगे, आपको फोन नहीं करेंगे। जो आपके कितने कितने अरेंज हुए कितने बता दीजिए अमाउंट। मेरी बात सुनो, मुझे ना इसे क्लोज ही करना है तो उसके लिए मैं फंड अरेंज कर रही हूँ, तो सर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी आप बोलोगे कि 2000 कर दो 3000 कर दो तो सर वो तो नहीं हो पाएगा। क्यों मैम, वो लोन के लिए है ना, मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ ये चीज। अरे मैडम लोन के लिए है ना, वो 3000 रूपये नहीं लोन के लेना 3000 रूपये पूरी करोगे, फिर आप शाउट कर रहे हो। शाउट करें तो क्या करें फिर, तो शाउट कर 14,000 रूपये आप पे नहीं करोगे, 90,000 आप पे नहीं करोगे, 30,000 आप पे नहीं करोगे। ओ चिल्ला नहीं सुन रहा हूँ, निकल गया अभी तक तो लाइन पे छुट्टी तेरे को नहीं मिलेगी, निकल गया आज नहीं चिल्लाने दीजिए सर, उनका भी फ्रस्ट्रेशन कॉल करता हूँ। फ्रस्ट्रेशन है यार, तुम लोग लाइन पे लेने के बात कर रहे हो, पैसा देने के लिए कोई राजी नहीं है। मंडे कॉल करना, ट्यूसडे कॉल करना, हाल चाल पूछो तुम्हारे कॉल करके। संतोष जी आप क्या करो कॉल करके, चिल्लाइए सर चिल्लाइए। मैडम पैसे का बताइए मुझे, 3000 रूपये और नहीं पाएंगे। अब मैं आपको बोलूँ कि 3000 अरेंज हुए हैं तो क्या करूँ मैं उसका, लेकिन 3000 में कर नहीं पाऊंगी। अब आप मेरी बात सुनो, पेमेंट अभी नहीं होगी। अब मैं आपको बोल रही हूँ मैडम पेमेंट आपकी, सुनो आपकी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, पेमेंट अभी नहीं होगी आपकी। मैम लैंग्वेज लैंग्वेज में आ गया ना आप, अपने पे आ गया ना आप, सुनो मेरी बात, लैंग्वेज में आ गया ना कि पेमेंट नहीं होगी तो घुमा क्यों रहते, जब पैसा नहीं है जेब में घुमा क्यों रहते। इस बंदे के नाम पर लोन है, इस बंदे की आवाज नहीं निकल रही है, क्यों नहीं निकल रही है। पहले बोलते ना फर्स्ट कॉल पे कि पेमेंट नहीं होगी, 2 दिन में होगी 4 दिन में होगी, मंडे कॉल करना। अब कैसे निकल गई आवाज की नहीं होगी पेमेंट, पागल है हम बैठे हुए यहाँ पे, आपको कॉल करते रहेंगे दिन भर और आपसे टाइम पूछते रहेंगे। आप मैडम कॉन्फ्रेंस पे आके क्या करना चाह रहे हो, कॉन्फ्रेंस पे आके कि मैं बात करूंगी, क्या करें आपकी बात का। मेरी बात सुनो सर, पेमेंट नहीं होगी और ये जो आप पे रिकॉर्डिंग पे पेमेंट नहीं होगी ना मैडम, रिकॉर्डिंग हमारे पास हो गई है, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो गई है, कोई बात नहीं मैडम अच्छे से, अब इस पे कोई दिक्कत नहीं मैम, आराम से बात करेंगे सर, संतोष जी से बात करेंगे। प्लीज कॉल पे मत आना, आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ कॉल पे मत आना, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कॉल रखिए इनका बीच में आने की। संतोष जी से बात कर लेंगे हम। हाँ जी बात करिए। हेलो कुसुम जी। हाँ जी सर बताइए। एक्चुअली मैम मैं कल उस दिन भी कॉल करता रहा और मतलब आज भी सुबह कॉल किया, सर फोन ही पिक नहीं कर रहे हैं मैम। ओके मतलब सर देखिए काम कर रहे होंगे, बिजी होंगे, इसीलिए आपका कॉल रिसीव नहीं किया। चलिए कोई इश्यू नहीं है। क्या रहा मैम अरेंजमेंट का? हाँ जी मैम अरेंजमेंट का क्या रहा? सर अरेंजमेंट कर ही रहे आपकी पेमेंट करने के लिए, बाकी देखिए इतनी जल्दी तो पैसा अरेंज हो नहीं पाएगा ना सर, प्रॉब्लम तो यही है अभी हमारे। मैम 14,000 कह रहा हूँ मैं, 14,000 मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ सर, आप 14,000 रुपीज बोल रहे हो, पर देखिए पैसा होना चाहिए तभी तो हम पे कर पाएंगे ना आपका। सर वही बात कह रहे हो आप अरेंजमेंट कर रहे थे ना, आपने कहा था मैं अरेंजमेंट करती हूँ मैम। बिल्कुल सर अरेंजमेंट कर रहे हैं, पेमेंट के लिए ही अरेंजमेंट कर रहे हैं। कितना अमाउंट अरेंज हुआ अभी? 14 नहीं हुआ, कितना अमाउंट अरेंज हुआ है सर? अब देखिए अभी आप ये पूछोगे कितना अमाउंट अरेंज हुआ है तो मैं आपको बोलूँ कि 2-3 हजार रुपये अरेंज हुए हैं तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? मैं जैसे पूरा अरेंज कर लेती हूँ पेमेंट आपको कॉल करेंगे सर। बट मैम उसके लिए उतना मैम टाइम नहीं है ना, समझो बात को थोड़ा सा, बैंकिंग की भी कुछ चीजें होती हैं, पॉलिसी होती है, हमें आगे रिपोर्ट करना होता है, तो वो चीजें नहीं होती हैं टाइम में उतना। देखिए सर मैं आपको कहाँ मना कर रही हूँ सर, आपकी भी आपके जो राइट्स हैं आप उन्हें फॉलो करिए सर, पेमेंट की बात है हम अरेंज करके पे करेंगे। तो मैम कहाँ पे हो रही है? आपने टाइम लिया, टाइम लेने के बाद आपने फोन नहीं उठाया, देन कल मैं कॉल कर नहीं पाया, कुछ इश्यू था तो आज मैंने कॉल किया तो आज आपका सेम जवाब है मैम। तो मैम एक बात बताओ, ट्रस्ट लेवल आप बनाओगे तभी तो बनेगा ना, ऐसे ऐसे मैम हर बार आपका जवाब होगा, ट्रस्ट लेवल कैसे बनेगा मैम? आप ट्रस्ट लेवल के लिए बोल रहे हैं, मैं केवल आपको इतना बोलना चाह रही हूँ सर, अगर ट्रस्ट लेवल नहीं बनाना होता तो आपकी कॉल क्यों क्या कहते हैं हम बात करते हैं। मैम कॉल तो 5 महीने से भी उठ रही है ना मैम। मैम वो कॉल वाले ट्रस्ट लेवल नहीं बनाना मैम, पेमेंट वाला बनाना है। नहीं पेमेंट तो सर देखिए डेफिनेटली हम इसका पेमेंट करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, पेमेंट जैसे अरेंज हो जाता है आपका पेमेंट पूरा करेंगे सर, मना तो किया ही नहीं हमने। तो मैम कैसे होएगा वही तो पूछ रहा हूँ मैम, कब अरेंज करोगे कब करोगे? अब आज भी आपका सेम ही जवाब है मैम। सर सेम जवाब नहीं है, अभी आप ये पूछना चाह रहे हो कितना पैसा अरेंज हुआ है, तो सर कितना पैसा है मैं आपको क्या बता दूँ। अगर पूरा पैसा अरेंज होता तो मैं आपको बोलती कि सर मैं आपका पेमेंट कर रही हूँ, बट पूरा पैसा अरेंज ही नहीं हुआ है ना सर, प्रॉब्लम तो ये है। बाकी इसका जैसे अरेंज हो जाता है हम आपको डायरेक्ट कॉल करके बोल देंगे सर हम इसका पेमेंट क्लियर कर रहे हैं। तो मैम उतना टाइम नहीं है ना सर, देखो टाइम नहीं है तो अब मैं आपको क्या बता सकती हूँ, आप या तो आप इसे लीगली मूव करो, अब टाइम नहीं है तो मैं आपको यही बोल सकती हूँ ना सर, या फिर इस पे आप चार्जेस ऐड कर रहे हैं, चार्जेस ऐड करिए वो हम पे करेंगे। तो मैम टाइम कितना दे मैम, कितना दे टाइम, कितना टाइम चाह रहे हो, कुछ क्लियर बताओ मैम। क्लियर बोलना चाहती हूँ सर, फंड का अरेंजमेंट हो रहा है, मेरी एक हैप्पी है, जैसे ही वो रिलीज हो जाती है मैं आपको खुद से कॉल करूंगी सर पेमेंट करने के लिए, मना नहीं कर रहे हैं सर, इंटेंशन पूरी है हमारी पेमेंट करने की। तो मैम फिर क्या इशू इंटेंशन? मैम इंटेंशन नहीं है तो फिर पेमेंट भी कहाँ है सर? इंटेंशन है हमारी पेमेंट करने की, अब हाथ में पैसा होता तो आपका ऑन कॉल पे कर देते सर। मैम कैसे क्या इंटेंशन अभी अरेंज हो नहीं पा रहा है, तो देखो जो भी पैसा आ रहा है वो सारा मेडिकल में जा रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। मेडिकल में जा रहा है मैम, मेडिकल मतलब किसकी मेडिकल में जा रहा है मैम? हाँ जी मेडिकल मतलब किस कहाँ मेडिकल में कहाँ पे जा रहा है मैम? देखिए फैमिली में जो भी इनका पैसा है वो इनके मेडिकल ट्रीटमेंट में ही जा रहा है सर, और इन्होंने मुझे बोला है तो सर देखो मेरे भी खुद के खर्चे हैं, तो मैं भी इनके लिए अगर फंड अरेंज करूंगी एक सेविंग के अकॉर्डिंग ही तो करूंगी ना सर, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इकट्ठा पैसा मेरे पास हो मैं आपको बोल दूँ कि सर मैं पे कर रही हूँ। तो मैम हमें चाहिए तो आपसे 88,230 रुपीज़ ना मैम। सर देखिए पेमेंट आपका हो जाएगा, टाइम दीजिए थोड़ा सा, और नहीं अगर आप टाइम दे पा रहे हैं तो फिर मैम आप तो मैम उस दिन आपने बोला कि 4 बजे तक मैं अरेंज करती हूँ कुछ अमाउंट, अब अरेंज करने के बाद आज आपका 2 दिन बाद भी सेम 4 बजे तक, सुनिए सर 4 बजे तक अरेंज करने के लिए नहीं बोला है हमने, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। बाकी सर देखिए पेमेंट होगा आपका, देखिए जब हमें इसे क्लोज ही करना है तो आप भी इतना देखिए बार बार कॉल करेंगे, परेशान होंगे, ये चीज़ आपका भी कंसर्न है। मैं आपको कॉल तो मैम देखो स्टॉप नहीं होगी, कॉल तो आएंगी सर, वो देखिए उसके लिए हमने आपको कभी मना किया कि आप अपने साइड से कॉल मत करो, क्योंकि सर वो आपका राइट है, पेमेंट नहीं आएगी तो आप कॉल करोगे, फॉलोअप लोगे। जी मैम ठीक है सर, तो मैं बस आपसे यही, आपकी साइड से आप क्या चाह रहे हो मुझे वो एक बार क्लियर कर दो, क्लियर बता दो, पैसा देना है कि नहीं देना है सर? 100% आपका पैसा देना है, आप ये चीज़ मत बोलिए कि नहीं देना है सर। कब देना है मैम पैसा, वो चीज़ बताओ सर। देखो डेट पूछोगे बता पाऊंगी हम, ये क्या बात होती है, पैसा देना है लेकिन डेट पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगी। अब डेट आप एक बात बताओ सर, डेट मैं आपको बताती हूँ, उस डेट तक मान लीजिए फंड नहीं अरेंज हो पाया तो फिर आप ही बोलोगे ना मैडम आपने तो मैम वो तो मैम आपको अरेंज करना पड़ेगा ना, आप जुबान दे रहे हो किसी को तो वो तो अरेंज कर। मैम ऐसे थोड़ी ना होता है मैम, कोई गुड्डा गुड़िया खेल थोड़ी ना चल रहा है कोई कि आप बोल रहे हो कि मैं टाइम दे दूंगी फिर हो नहीं पाएगा। मैम अभी से आप नेगेटिव इतने हो रहे हो तो कैसे हम चीजें काम चलेंगी बताओ। आप देखो सर जो है सर बात, जिनके नाम पे लोन है वो सर बात नहीं करते हैं, वो कॉन्फ्रेंस एक सेकंड में आपको सर कहते हैं। मैम कितना कोऑपरेट करें मैडम बता दो कि इस हिसाब से कोऑपरेट करो। मेरी बात सुनो, उस दिन भी मैम आपने फोन नहीं उठाया, सर ने फोन नहीं उठाया आपकी कॉन्फ्रेंस, मैं आपको बोल रहा हूँ मैम आप अपना नंबर मुझे दो ताकि मैं आपको कॉल कर सकूँ। मैम सर फोन उठाते नहीं है, एंड टाइम मैम मेरे सीनियर को मैं क्या जवाब दूँ, मैं अपने सीनियर के सामने खड़ा होता हूँ सर फोन नहीं उठाते हैं। मेरी बात सुनो, अगर आप उस दिन भी मैम मैं इतनी सुन के गया हूँ ना 4 बजे, मुझे ही पता मैम। सर देखिए आपका काम है, आपकी कलेक्शन है, उसमें मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती, मैं केवल आपसे ये कह रही हूँ अगर आपको चिल्लाना है आप चिल्ला लीजिए। मैम आप मुझे डायरेक्ट अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा कि कैसे पैसा करने का। चिल्लाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है मैम। मैं ये कह रहा हूँ प्लीज आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा। अगर सारी चीजें आपको करनी हो फिर मैं सर को कॉल लगाऊँ, सर फोन नहीं उठाते हैं। सर फोन आपका जरूर रिसीव करेंगे मैम। नहीं करते ना मैम, परसों बात हुई थी ना मैम, परसों सुबह बात हुई थी परसों से आज फोन पे बात हो रही है मैम। अगर मैं ये भी पूछना चाहूँ कि सर पैसा अरेंज नहीं हुआ, तुमने सिले को जवाब दूँ ना पैसा अरेंज नहीं हुआ। मैं क्या बोलूँ सर फोन नहीं उठा रहे हैं आपसे, मैं आप मुझे फोन उठा के बोल तो दोगे ना मैम एटलीस्ट कि हाँ पैसा अरेंज नहीं हुआ, अभी टाइम थोड़ा चाहिए। सर जिस टाइम मान लो आपका कॉल आ रहा है उस टाइम कहीं इंसान बिजी है और आपके नंबर पे कॉल करेगा, कॉल डायल होती है आपके नंबर पे मैम? बिल्कुल भी नहीं होगी मैम, लेकिन सर का बिजी नहीं था, सर की रिंग जा रही थी, सर ने फोन नहीं किया। सर मैं आपको क्या कह रही हूँ कि कोई अगर बिजी है तो किसी काम में बिजी है तो वो आपकी मैम मुझे मैं वैसे सर को ही कॉल करूँगा, लेकिन आप मुझे आप एक मतलब अल्टरनेट नंबर के तौर पे अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं कभी भी अगर सर फोन ना उठाए तो मैं सीनियर को जवाब देने से पहले आपसे एक बार कंसर्न कर लूँ। आपके पास जो नंबर है वही नंबर है और संतोष जी की लाइन पे रहेंगे, आप कॉल करिए, कॉल वो आपकी रिसीव करेंगे, ठीक है मैम? एक ही बात बोल रहा हूँ मैम, आप अल्टरनेट नंबर तो दोगे कुछ सर? अगर जैसे बाई चांस 4 बजे का टाइम है मैम, 4 बजे सर ने फोन नहीं उठाया, मैं कहीं और तो फोन कर सकूंगा, थोड़ी श्योरिटी तो हो गई कि हाँ कि इंटेंशन है सर की, नंबर है मेरे पास, मैं पूछ सकता हूँ। आप बार बार ये बोल रहे हो कि श्योरिटी दोगे। मैंने एक बार आपको बोला या संतोष जी ने आपको एक बार बोला कि पेमेंट नहीं करेंगे आप? मैम कर भी तो नहीं रहे ना, हाइपर होने से सर पेमेंट। मैडम एक बात बताओ, रोज आपको जैसे अगर भूख लग रही है रोज बोलेगा कोई खाना है तो बोलने से पेट नहीं भर जाएगा मैम, उसके लिए रोटी डालनी पड़ेगी। तो आप कह रहे हैं कि मैंने तो एक बार ही मना नहीं किया, आप लेके पेट बैठे हुए हो, आपको बोल रहे खाना मिलेगा तो आपका पेट भर जाएगा। बता दो मैडम कि मैंने तो एक बार ही मना नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ मिलेगा? तो मैम समझो ना बात को थोड़ा सा, आप अगर अपना नंबर मुझे दे दो तो मैं कॉल करके आपसे पूछ लूंगा। सर यही नंबर है, इस पे करेंगे, बात होगी सर और आपकी कॉल रिसीव होगी डेली, ठीक है? आप मैडम नहीं हो रही ना मैम, मैं प्रैक्टिकल करने के बाद ही बोल रहा हूँ मैम, प्रैक्टिकल करने के बाद बोल रहा हूँ सर, एंड टाइम पे फोन नहीं उठाते हैं सर, बिजी होते हैं कहीं पे, तो आपसे मैं कॉल करके कोऑर्डिनेट कर लूंगा मैम। आपको एक टाइम प्लीज आप मुझे नंबर टाइम कॉल करो, चाहे आप सुबह 11 बजे कॉल कर लो या शाम को 6 बजे कॉल कर लो, अब आप डिसाइड कर लो आपको कब कॉल करना है सर। तो मैम मुझे एक बार नंबर दोगे तभी तो मैं डिसाइड करूंगा ना। कौन सा नंबर चाहिए आपको? आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। क्लाइंट का नंबर है नहीं आपके पास? तो मैम क्लाइंट बात ही कहाँ कर रहे हैं, क्लाइंट को तो आपने पीछे कर रखा है, सारी बात आप कर रहे हो। क्लाइंट क्या करते हैं मैम, क्लाइंट क्या करते हैं, फोन उठा के कॉन्फ्रेंस करा देते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही क्यों ना बात कर लूँ मैम, बीच में इनको क्यों लूँ फिर मैं? नहीं वो देखिए सर, क्लाइंट आपके संतोष जी हैं, उन्हें भी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है सर? तो चीजें पता चल जाएंगी, पैसा तो आपको पे करना है ना मैम, उनको चीजें क्या पता, उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ मेरे अकाउंट में इतना पैसा जमा हो चुका है, सिंपल, और उनको पैसा अरेंज तो करना नहीं है, सारी चीजें आपको क्लोज करनी है। तो मैम आप अपना नंबर दीजिए, अगर आपसे डायरेक्ट बात करनी है हमें, तो फिर हम सर को बीच में लूप में क्यों लेंगे मैम? आपने आप बता रहे हो ना पैसा आप अरेंज करके आप पे करोगे, आपने भी यूज किया है जैसा कि आपने मुझे फर्स्ट कॉल पे बताया था। देखिए चिल्लाने से ना कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है? मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं वही मेरी आवाज में मैसेज इसलिए कह रहा हूँ। अभी तक आप बहुत नॉर्मल बात कर रहे थे इससे पहले भी, लेकिन बट अभी आप शाउट ज्यादा कर रहे हैं। मैं आपको केवल मैम आप हाइपर कर रहे हो, मुझे आप नंबर ही नहीं दे रहे। जब मैंने एक बात बताऊँ, सर का कुछ काम नहीं है, सर सिर्फ बीच में कॉन्फ्रेंस कराने बैठे, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट आपसे बात कर लूँ मैम? सर वो बात तो करवा रहे हैं ना, ऐसा तो मैम कहाँ बात करवा रहे हैं, एंड टाइम पे तो सर फोन बिजी होता है ना, उठाते नहीं है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ सर, आप कॉल करेंगे, वो आपकी कॉल मैम। पैसा किसको देना है मैम, सिंपल सा एक सवाल, पैसा किसको देना है? और मुझे दोनों को देना है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा आपका जो पैसा है मैम। संतोष जी ठीक है आपको और दोनों को मिलकर देना है, तो अपना नंबर देने में आपको क्या इश्यू है मैम? सर मेरा नंबर क्या करेंगे आप? तो संतोष जी का एड्रेस दे दीजिए। अब बोलोगे उसका भी क्या करोगे आप? आपके पास एड्रेस नहीं है सर? सर वो मैम वो एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ शिफ्ट कर चुके हैं। तो एड्रेस है हमारे पास, क्यों नहीं है मैम? अब तक तो मैम संतोष जी के साथ बैठे होते हम, अगर वहाँ होते तो इतना तो मैम टाइम ही नहीं लगता जितना आपने लगवा दिया मैम इतने दिन का। नहीं एक सेकंड, संतोष जी आपसे बात कर रहे फिर भी आपको एड्रेस चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मैम? अभी 2 मिनट पहले आपको एग्जांपल दिया है कि प्लेट लेके बैठ जाने से खाना मिलेगा से पेट नहीं भरता मैम। संतोष जी बात कर रहे हैं, हम क्या करें बात का? कॉल रिकॉर्डिंग मैम अगर वहाँ हम पेस्ट करेंगे तो वहाँ सर का जो ये जो अमाउंट है सर का संतोष जी का 5 लाख का, वो क्या मैम 4 लाख का हो जाएगा क्या उस रिकॉर्डिंग से? सुनिए आपको अगर अपने सीनियर को जवाब देना है तो आप बोलो कि उनका पेमेंट आएगा, बट अभी नहीं आ पाएगा, आप इसे लीगल मूव करो सर, क्योंकि देखिए इतना आप चिल्लाएंगे मैम। लीगल से पैसा मैम एक बात छोटी सी बताओ, लीगल से पैसा लिया था? मेरी बात सुनिए सर, तो आप अपने राइट्स को फॉलो करिए ना, आपको तो मैम लीगल क्यों कह रहे हैं? आपसे लीगल कीजिए मैम, लीगल क्यों करेंगे? इनके साथ मामला है वो सीधे उल्टेगा बैंक अपने आप ही, तो आप लीगल के लिए क्यों जा रही है कि लीगल कीजिए? आप चिल्ला रहे हो, आप मेरा नंबर मांग रहे हो, मैं आपको अपना नंबर, तो मैम नंबर दे दीजिए ना सर, फोन नहीं उठाते हैं। अल्टरनेट मैम अल्टरनेट नंबर नहीं अपडेट होता है क्या बैंक में, बताओ आप? सर संतोष जी का एक ही नंबर है ना, तो कहाँ से आपको अल्टरनेट? मैम संतोष जी कॉन्फ्रेंस ही तो कराते हैं, आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे, क्या इशू है मैम वो तो बताइए। नहीं सर सॉरी सर, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, आपको मैं अपना नंबर नहीं दे सकती। मैम वो चीज़ तो मैम अब आप गलत कर रहे हो ना, अब आप नंबर भी नहीं दे रहे हो, पेमेंट का भी नहीं बता रहे हो। मैम बताओ हम कहाँ पे जाएं? मैम आप इंटेंशन बोल रहे हो कि मेरी इंटेंशन इशू नहीं है, कि इंटेंशन मेरी नीयत खराब नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ दिखाना नहीं चाह रहे, आप वो इंडिरेक्ट वे में बोल रहे हो। अब देखो सर आपको ये लग रहा है कि हम हमारी, मैम मुझे कुछ नहीं लग रहा सर, अपना एड्रेस नहीं बता रहे, आप अपना नंबर नहीं बता रहे, और दोनों बंदे मिलके कह रहे हैं कि बात कर तो रहे हैं, तो मैम क्या समझें इसका, इस चीज को क्या समझें मैम? सर अब आपको जो समझना आप समझिए, हमारी इंटेंशन मैम आप बताइए ना, आपकी इंटेंशन इशू मैम इंटेंशन है ना पेमेंट देने की? जरूरत नहीं है मैम इंटेंशन। मैम दिक्कत क्या है फिर ये तो बताइए, दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत यही है ना कि अभी पूरा पैसा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पैसा अवेलेबल नहीं है। नंबर दे दीजिए मैम, अगर सर कॉल नहीं उठाएंगे हम आपको एक बार कंफर्म कर लेंगे, ताकि अपने नंबर नहीं, आप क्यों नहीं समझ रहे हो सर? तो मैम किसी ऐसे पर्सन का नंबर दीजिए जो इंस्टेंट कॉल पिक कर लें हमारा। संतोष जी नहीं करते, उनका नाम मत दीजिएगा प्लीज, कोई और बंदे का नंबर दे दीजिए जो डायरेक्ट बात करा दे, मतलब जो कभी भी मतलब अगर इमरजेंसी हो तो वो फोन पिक कर लें। बताइए मैम। जिसके पास आप कॉल करिए वो आपसे बात करेंगे, मेरी बात नहीं उठाते ना मैम, तो फिर क्यों आप? मैम मैं प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ, मैंने ट्रस्ट किया था ना आप। सर कल सुनो, कल संडे ना, कल तो आपको कॉल करनी नहीं होती, आप मंडे को कॉल करना। टाइम बताओ किस टाइम कॉल करोगे आप? 12 बजे कॉल करिए, आपकी कॉल रिसीव होगी, ठीक है सर? तो मैम मुझे आप अपना नंबर क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं ना आप, सॉरी मैम आपने पैसा यूज किया है ना सर, फिर आप एक क्यों मानने के लिए क्यों रेडी नहीं है? सर मैं आपको जब बोल रही हूँ आप मंडे को 12 बजे कॉल करो, मैं बात करूंगी आप। 12 बजे पेमेंट हो जाएगी मंडे को? सर पेमेंट, आप क्या बात कर रहे हो? पेमेंट होती ना तो मैं आपसे ये बोलती कि मंडे को पेमेंट होगी ना, मैं आपसे ये नहीं बोलती कि आपसे बात करनी है पेमेंट। तो कॉल करके हम क्या, कॉल करके आपसे क्या करें? हालचाल पूछ लें आपका? मत करिए कॉल, आपसे कॉल ना करें हम। क्यों कर रहे कॉल फिर आप? मैम पैसा लिया हुआ है सर जी ने, पैसा यूज किया हुआ है, उधार में रखा है बैंक से। पेमेंट हमारे पास अरेंज हो जाएगा, हम पेमेंट कर देंगे। तो मैम कब होगा अरेंज? 5 महीने हो चुके हैं सर, 5 महीने हो गए हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ कि 5 महीने नहीं हुए हैं, मैं आपसे केवल यही बोल रही हूँ ना, पेमेंट आपका हो जाएगा। मैम अगर आप अथॉरिटी ले रही हैं सर की, तो प्लीज अपना नंबर दीजिए ना, आप फर्स्ट पर्सन आप बनिए ना अगर आप हो तो, नहीं तो फिर सर को बात करने दीजिए, फिर बीच में मत आओ। फिर आप कॉन्फ्रेंस में क्यों आते हो मैम? आपको कोई लेना देना नहीं है, आप मैम आपके पास पैसा नहीं है। मैम एक बात, हाँ बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने लोन लिया है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसा रिलेटिव एक आध तो जरूर आपके लिस्ट में होंगे ना कि जो आपके बिहार पे आपका पैसा अरेंज कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई अरेंज नहीं करेगा। मैम बात जो होगा वो फर्स्ट पर्सन करेगा ना, बात फर्स्ट पर्सन करेगा। आपसे बात सर कर रही हूँ, आपसे बात। तो मैम आप अपना नंबर दीजिए अगर आप बात करना चाह रही हैं तो। सर आपको मुझे अपना नंबर नहीं देना। फिर मतलब पता है मैम फिर क्या होगा, फिर पता है क्या होगा मैम, मैं संतोष जी को बीच से साइड में करके डायरेक्ट आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा। नहीं सर आप अब एक काम करो, आप मैंने आपको बोला आप मंडे को कॉल करिए, मैं आपसे बात करूंगी, संतोष जी की लाइन पे होंगे, ठीक है सर? तो मैम क्या बात करेंगी आप मंडे को? अब आप कह रहे हो ना, आप तो वही फंसती है कि मैम बात तो वही पे फंसती है, पेमेंट कैसे होगी? ये चीज क्यों बोल रहे हैं मैम? ना तो आप मेरे रिलेटिव हो, ना आप मेरे जानकार हो, ना आप मेरे नेबर हो जो मैं आपसे हालचाल पूछूंगा मंडे 12 बजे कॉल करके। तो मुझे आप ये बताइए, बात तो पेमेंट की आनी है, तो पेमेंट कैसे होनी है वो चीज़ बता दीजिए मुझे मैम। संतोष जी आप मुझे मंडे कॉल करने के लिए कह रही है, मंडे को 12 बजे आप पेमेंट कराएंगे मैम 14,705 रुपए की आपकी? मेरी बात सुनो, पेमेंट ना अरेंज कर होगी सर, ठीक है? अभी आप ये बोलोगे की मंडे। मैम आपके अगर 3,000, मैम चलो मैम आपकी बात बड़ी करता हूँ, मंडे कॉल करूंगा, आपके पास 3,000 रुपए अरेंज हुए, 2,000 रुपए अरेंज हुए? क्या कह रहे हैं आप? आपके पास 3,000 अरेंज हुए हैं, 2,500 हुए हैं, 2,000 कितने अरेंज हुए हैं अभी आप बता रहे थे? सर आप पहले आप एक अमाउंट बोल रहे हो, फिर आप 3,000 रुपए बोल रहे हो। मैं आपसे बोल रही हूँ कि नहीं 14,000 का अमाउंट मैम, 14,000 का अमाउंट है कोई। सुनिए मेरी बात सर, अभी आप एक चीज क्लियर। चलिए मैम आपकी बात बड़ी भी कर लेते हैं, हम संतोष जी को फोन करेंगे, आपको फोन नहीं करेंगे। जो आपके कितने अरेंज हुए अभी, कितने बता दीजिए अमाउंट? मेरी बात सुनो, मुझे ना इसे क्लोज ही करना है, तो उसके लिए मैं फंड अरेंज कर रही हूँ, तो सर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी आप बोलोगे की 2,000 कर दो, 3,000 कर दो, तो सर वो तो नहीं हो पाएगा। क्यों मैम? वो लोन के लिए है ना, मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ ये चीज। अरे मैडम लोन के लिए है ना, वो 3,000 रूपये नहीं, लोन के लिए ना 3,000 रूपये पूरी करोगे। फिर आप शाउट कर रहे हो, शाउट कर रहे तो क्या करें फिर, तो शाउट कर 14,000 रूपये आप पे नहीं करोगे, 90,000 आप पे नहीं करोगे, 3,000 आप पे नहीं करोगे। ओ चिल्ला नहीं, सुन रहा हूँ मैं, निकल गया अभी तक तो लाइन पे छूटा।